ixamBee में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर AFO मेंस एग्जाम 2018। सो ये पार्ट वन है और ऐसे 20 वीडियोस हम रिलीज करेंगे। हर वीडियो में 8 to 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम विद एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए ग्रेड अप और ixamBee इन दोनों ने मिलकर एक AFO कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च करा है जिसमें आपको मिलेगा ग्रेड अप का भरोसा और ixamBee की क्वालिटी। इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में बहुत सारे लाइव डिस्कशंस हैं, 27 मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स के लिए, 32 मॉक टेस्ट है मेंस के लिए, मोर देन 250 प्लस ऑनलाइन वीडियोज है और ये वीडियोज बहुत ही क्रिस्प और अच्छी वीडियोज है जिनमें 10 टू 12 मिनट की वीडियोज हैं और हर वीडियो के बाद आपको 8 टू 10 कंसेप्ट चेक क्वेश्चंस मिलते हैं। मींस आपको वो वीडियो कितना समझ में आया ये चेक करने के लिए आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इन टोटल 4500 प्लस एमसीक्यूज होंगे हैंड पिक्ड और 50 प्लस पीडीएफ नोट्स होंगे। तो अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं AFO एग्जाम में तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक फंजीसाइड। तो हमें देखना यह है कि इनमें से कौन सिस्टमिक फंजीसाइड है। तो पहले जान लेते हैं कि सिस्टमिक फंजीसाइड्स होते क्या हैं। फंजीसाइड्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, एक है सिस्टमिक फंजीसाइड्स और दूसरे होते हैं कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स। जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स है ये मोड ऑफ एक्शन के ऊपर डिफरेंशिएटेड है ये दोनों क्लासेस। जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं उनके जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं किसी भी प्लांट पर उनका मोड ऑफ एक्शन होता है कि वो प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं और देन एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरे के पूरे प्लांट सिस्टम में जाते हैं एंड देन प्लांट जहां पे भी आप जब आपका फंगस उस जगह से अपना खाना ले रहा होता है, अपने माइसीलियम से वहां से खाना एब्जॉर्ब कर रहा होता है, अपना फूड एब्जॉर्ब कर रहा होता है, देन वो फंगस को खत्म कर देते हैं। जबकि कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स का असर करने का तरीका है कि जहां पर भी जिस प्लांट पार्ट में लीफ में या स्टेम में जहां पर की फंगस की डैमेज है वो डायरेक्टली फंगस के कॉन्टेक्ट में आके उस फंगस को वहां से खत्म कर देगा। कॉन्टेक्ट से जो असर करते हैं वो होते हैं कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स और जो पूरे के पूरे सिस्टम में मूव करते हैं और जहां पर भी प्रॉब्लम होती है उस सारी प्रॉब्लम को मिटा देते हैं वो होते हैं सिस्टमिक फंजीसाइड्स। तो सिस्टम में चलने वाले सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक्शन करने वाले कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स। यहाँ पे जो फंजीसाइड्स है वाइटावैक्स, जैसे वाइटावैक्स बहुत एक अच्छा फंजीसाइड है स्मट के लिए, प्लांटवैक्स एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है रस्ट के लिए, कार्बेंडाजिम को हम बेविस्टिन भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन फंजीसाइड है जो कि स्प्रे भी किया जाता है और सीड ट्रीटमेंट के भी काम आता है। मेटालेक्सिल बहुत अच्छा फंजीसाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट फंजीसाइड है डाउनी मेल्ड्यू के लिए। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे जो है सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इसे हम शॉर्ट में ईटी भी कहते हैं। ट्रांसपिरेशन होता है कि आपके लीव्स स्टेम या किसी प्लांट पार्ट से जो वाटर रिलीज होता है एटमोस्फियर में उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और इवेपोरेशन होता है जो किसी भी सॉइल सरफेस से प्लांट वाटर इवेपोरेट होता है। ये दोनों साथ में, जो सॉइल सरफेस प्लस प्लांट सरफेस से साथ में इवेपोरेट होने वाले पानी को इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इवेपोट्रांसपिरेशन के काम में आता है, इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के काम में आता है। जो ये पायरेनोमीटर है, पायरेनोमीटर यूज होता है टोटल इनकमिंग रेडिएशन, सन से जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन आ रही है उसको मेजर करने के लिए। देन हाइग्रोमीटर यूज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, और टेंशियोमीटर यूज होता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए। आपका राइट आंसर आ गया लाइसीमीटर। लाइसीमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इवेपोट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड हार्ट एंड वाइट ईयर आर पिकुलियर सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द इंसेक्ट्स इन पैडी। ये चारों पैडी के मेन पेस्ट हैं या मेन इंसेक्ट हैं। इनमें से क्वेश्चन ये है कि डेड हार्ट किसका सिम्टम है। पहले इन सबके सिम्टम्स जान लेते हैं। जो हॉपर बर्न है, जो लीफ हॉपर है, ये करता है
हॉपर बर्न, हम इन्हें इमेजेस से समझेंगे। देन गंधी बग क्या करता है, गंधी बग जहां पर भी लगता है, इसके नाम से ही क्लिक, गंधी मीन्स गंध, ये हिंदी के गंध वर्ड से बना है, इससे पंजेंट स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है जहां पर भी गंधी बग होता है, तो इससे आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। और ये ईयरहेड्स को चैफी बना देता है, चैफी मतलब उनके अंदर का सारा जो मिल्की पार्ट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है उसके अंदर का मिल्क, और वो सिर्फ भूसा भूसा चैफी रह जाता है। राइस स्पा क्या करता है, राइस स्पा लीव्स को स्क्रैप करता है, उसमें व्हाइट स्ट्रीक्स बना देता है। येलो स्टेम बोरर, इसका राइट आंसर है येलो स्टेम बोरर, येलो स्टेम बोरर डेड हार्ट्स करता है, और ये कैसे करता है इसको हम इमेजेस से समझेंगे। सो ये येलो स्टेम बोरर है, येलो स्टेम बोरर, या फिर हम इसे ये राइस येलो स्टेम बोरर भी कहते हैं। सो ये इसकी इसका एडल्ट है, और ये इसकी डैमेज है, ये है डेड हार्ट्स। डेड हार्ट्स इन्हें कहा जाता है कि जब ये पूरा का पूरा ईयर है, या फिर इसे वाइट ईयर भी कहते हैं, इसने पूरे ईयर को वाइट कर दिया है और ये खराब हो गया है। सो इसका मोड ऑफ एक्शन ये होता है, ये जो एडल्ट है ये प्लांट की लीव्स पे एग्स देता है, अगर हमारे ये प्लांट है तो इसकी लीव्स पे यहाँ पे ये एडल्ट एग्स देता है, फिर ये एग्स जो है, एग्स देने के बाद जब इसमें से लार्वे निकलते हैं, सो वो लार्वे नीचे गिर जाते हैं, और क्योंकि जो राइस है वो वाटर लॉक्ड कंडीशंस में ही मेनली लगाया जाता है, सो पानी में ट्रेवल करते हुए या पानी में स्विम करते हुए ये लार्वे पहुंच जाते हैं प्लांट के नीचे वाले पार्ट, प्लांट की मेन स्टेम पे। अगर ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये राइस प्लांट है हमारा, सो ये जब इसने एडल्ट ने लीव्स पे एग दिए, एग से लार्वे निकल के लीव से नीचे गिर जाते हैं वाटर में, देन ये वाटर में से इसके लार्वे ट्रेवल करते हुए इसकी स्टेम में कर देते हैं छेद, तो स्टेम में बोर करते हैं लार्वे और स्टेम के अंदर घुस के उसका सारा सैप सक कर लेते हैं, तो इसीलिए इसे राइस स्टेम बोरर कहा जाता है, क्योंकि इसकी लार्वे स्टेम में बोर करता है और अंदर ही इसके लार्वे प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है सारा सक, इसका सैप सक करने के बाद, दैट्स वाई इसके जो ऊपर ईयर होता है वहां न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, और इसलिए ये ईयर जो है ये सारा का सारा वाइट हो जाता है, चैफी हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा ब्राउन प्लांट हॉपर। सो ये ब्राउन प्लांट हॉपर के नेम्स, एक साथ सारा सैप सक कर लेते हैं बहुत सारे प्लांट्स का, और जहां पर भी ये असर करते हैं एक साथ में, ये पूरा का पूरा एरिया ऐसे डेड हो जाता है या ब्राउन हो जाता है, इसलिए इसे हॉपर बर्न कहते हैं। सो फील्ड्स के बीच में जहां पर भी ऐसे ऐसे ग्रुप्स, आपको सर्कल्स या ग्रुप्स दिखेंगे जहां पर की पूरी क्रॉप खराब हो जाती है, ये डेड हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, तो इसे हॉपर बर्न कहते हैं। ये बर्निंग जैसे सिम्टम, जले हुए जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देन हमारा है गंधी बग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें से पंजेंट स्मेल आती है, बहुत गंदी सी गंध आती है, इस वजह से इसका नाम गंधी बग हो गया है। सो ये मॉस्किटो लाइक होता है, और इसके भी सिम्टम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि डेड हार्ट्स टाइप के बनाता है, लेकिन फर्क यह है इसमें और येलो स्टेम बोरर में कि येलो स्टेम बोरर का एक तो लार्वा अटैक करता है और स्टेम पे करता है, प्लांट की स्टेम पे करता है, और जबकि ये जो है हमारा गंदी बग इसे ईयर पे अटैक करता है सीधे। ये जो मॉस्किटो लाइक इसका एडल्ट होता है, ये ईयर एक एक इसके ईयर पे से एक एक सीड में से सारा का सारा उसका मिल्क सक कर लेता है और उसे ऐसा ब्राउनिश बना देता है, जो कि ऐसे धीरे धीरे करके पूरी क्रॉप खराब कर देता है। सो उसका लार्वा अटैक करता है, इसका एडल्ट अटैक करता है, ये सीड बाय सीड करता है, एक एक सीड में से सैप सक कर लेता है, जबकि वो नीचे स्टेम का सैप सक करता है, जिससे कि ऊपर का पूरे का पूरा डेड हो जाती है, ईयर जो है पूरा डेड हो जाता है। सो ये था गंधी बग। देन लास्ट वन राइस हिस्पा, इसको बोलते हैं डाइक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डाइक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। सो इसका भी एडल्ट डैमेज करता है और ये ऐसे करके यहां लीव्स को स्क्रैप कर देता है, तो व्हाइट स्ट्रीक्स बन जाती हैं लीव्स में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्रॉप इज नोन एज येलो ज्वेल। सो किस क्रॉप को येलो ज्वेल भी कहते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पोटैटो है, इसे पुअर मैन्स फ्रेंड भी कहा जाता है पोटैटो को।
पाइनएप्पल को हम जानते हैं क्वीन ऑफ फ्रूट के नाम से, और काओपी होता है वेजिटेबल मीट। सो हमारा आंसर हुआ सोयाबीन। सोयाबीन क्या होता है? येलो ज्वेल। वट इज कल्चरल कमांड एरिया फॉर द माइनर टाइप इरीगेशन प्रोजेक्ट्स? सो माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के कल्चरल कमांड एरिया कितना होता है? कुछ है तो पहले जान लेते हैं कि कल्चरल कमांड एरिया क्या होता है। सो किसी भी इरीगेशन स्कीम के अंतर्गत जितना एरिया टोटल इरीगेट होने वाला होता है किसी इरीगेशन स्कीम में, इरीगेशन सिस्टम में, उस एरिया को बोलते हैं कल्चरल कमांड एरिया। और ये कल्चरल कमांड एरिया कितना है ये अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। मीन्स जहां पर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया इरीगेट हो रहा होगा तो उसे बोलते हैं मेजर CCA, मेजर कल्चरल कमांड एरिया। जहां पर ये 2000 से 10,000 के बीच में हो रहा होता है इसको बोलते हैं मीडियम। मीन्स मीडियम आएगा 2000 से 10,000 हेक्टेयर्स। और जहां पर भी 2000 से कम हेक्टेयर में एरिया जो है हमारा इरिगेट हो रहा होगा उसे बोलेंगे माइनर इरिगेशन। सो राइट आंसर है लेस देन 2000 हेक्टेयर्स। सो लेस देन 2000 हेक्टेयर्स एरिया जो CCA में आता है वो होता है माइनर टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। सो जिस प्रोजेक्ट में 2000 हेक्टेयर से कम एरिया इरिगेट होगा या 2000 हेक्टेयर से कम CCA होगा वो हमारा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा। जिस इरिगेशन प्रोजेक्ट में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया इरिगेट होगा वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेम द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसलिए कई बार पूछा भी जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। सो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो फाउंडेशन सीड होता है इसकी प्रोजेनी क्या है पूछा है। सो हम पूरा क्लास देख लेते। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजेनी होती है वो होती है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की प्रोजेनी होती है फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी होती है सर्टिफाइड सीड। ये जो रजिस्टर्ड सीड है ये इंडियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता नहीं है। और ये जो न्यूक्लियस सीड है ये तो क्योंकि ये ब्रीडर बनाता है, खुद ही डेवलप करता है। देन ब्रीडर सीड जो होता है, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है। ब्रीडर सीड का जो टैग कलर होता है, इन सब सीड्स में अलग अलग टैग कलर लगाए जाते हैं। मीन्स इनके जो पैकेट होंगे या बैग्स होंगे उनको अलग अलग कलर के टैग्स लगे रहते हैं, और उन टैग्स का एक कलर होता है पर्टिकुलर और एक साइज होता है। सो कलर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो किसान होते हैं मोस्टली वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सो दैट वो दूर से ही समझ सके कि ये ब्रीडर सीड है या फाउंडेशन सीड है। तो उनको इजिली समझाने के लिए, या फिर इवन जो ब्रीडर्स होते हैं या फिर जो उसको सारा मैनेज करते हैं इधर उधर, उनको भी दूर से ही पैकेट देख, सेम अगर सिमिलर कलर के उनके पैकेट्स हैं तो टैग देख के पता चल जाए कि ये कौन सा ब्रीडर है, कौन सा फाउंडेशन है। बाहर से ही पैकेट के पता चल जाए इसके लिए इनको टैग्स दिए जाते हैं अलग अलग कलर के। सो जो ब्रीडर सीड है वो होता है गोल्डन येलो कलर, उसमें गोल्डन येलो कलर का टैग लगता है। जो फाउंडेशन सीड है इसमें ब्लू कलर का टैग लगा होता है इसके बैक के बाहर। और जो सर्टिफाइड सीड जो फाउंडेशन सीड है इसमें वाइट कलर का टैग लगा होता है, और जो सर्टिफाइड सीड है इसमें ब्लू कलर का टैग लगा होता है। इन सब के अलावा एक ट्रूथफुली लेबल्ड सीड भी होता है, जो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज के सीड आते हैं ट्रूथफुली लेबल्ड होते हैं। और ये ट्रूथफुली लेबल्ड सीड जो होता है उसमें ओपल ग्रीन कलर का टैग लगा होता है। ये जो अलग अलग टैग होते हैं इनके डिफरेंट साइजेस भी होते हैं। जैसे जो ब्रीडर सीड का बैग होगा उस पर गोल्डन येलो कलर का टैग लगा होगा, उसका साइज होगा 12x6 सेंटीमीटर। मीन्स 12 cm x 6 सेंटीमीटर का वो टैग होता है। देन जो फाउंडेशन सीड होगा वो व्हाइट कलर का टैग लगेगा, उसका साइज होगा 15x7.5 सेंटीमीटर। जो सर्टिफाइड सीड होगा उसमें भी सेम टैग लगता है 15x7.5 सेंटीमीटर का। और जो ये ओपल ग्रीन वाला ये जो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड है इसमें टैग लगा होता है 15x10 सेंटीमीटर का। तो इन जनरल फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड का ही पूछा जाता है, पर ये बहुत आसान है, आप आराम से इन्हें याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रीड ऑफ गोट। सो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक एक करके देख लेते। सबसे पहले बीकानेरी। सो बीकानेरी एक शीप की ब्रीड है। देन व्हाइट यॉर्कशायर, जितने यॉर्कशायर करके नाम वाले आएंगे वो स्वाइन के या पिग की
ब्रीड होती है, और मेवाती जो है ये डुअल पर्पज ब्रीड है काउ की या कैटल की। सो द हमारा राइट आंसर हो गया जमुनापारी। सो जमुनापारी इज अ ब्रीड ऑफ गोट। देन द टर्म थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड इज गिवन फॉर। सो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स किन्हें कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंथेटिक्स, जुवेनाइल हार्मोन्स और एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स। आंसर देखते हैं, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स होते हैं, सिंथेटिक्स होते हैं सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स, एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स जो होते हैं फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड्स, और जो जुवेनाइल हार्मोन्स है ये हमारा राइट आंसर है, ये है थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जो कि ixamBee और ग्रेड अप ने मिलकर बनाया है, सो दैट आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके AFO एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हायर्ड लेबर इज इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ कॉस्ट। सो हायर्ड लेबर कौन सी कॉस्ट के अंदर आती है? हमारे पास चार ऑप्शन है, ओवरहेड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो ओवरहेड कॉस्ट जो होती है ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और हायर्ड लेबर फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आ सकती। आपको पता है हायर्ड लेबर जो हम करते हैं उन्हें वेरिएबल कॉस्ट दी जाती है, और प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट, और जो हम लेबर हायर करते हैं, जो हमारी नॉट फिक्स लेबर या कैजुअल लेबर होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट ही मिलती है उनको, वेरिएबली ही उनको पेड किया जाता है। सो ये वेरिएबल जो प्राइम कॉस्ट है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। देन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी देख लेंगे। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई इनपुट सप्लाइड बाई फार्मर्स, जो इनपुट में फार्मर पैसे लगाता है इनपुट खरीदने के लिए, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है। और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, सो किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए जो उसमें टोटल कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसे बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो हमारा राइट आंसर यहां पर है प्राइम कॉस्ट। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हम लगातार अपलोड करते रहेंगे, और अगर आपको ऐसे 250 प्लस ऑनलाइन वीडियोस चाहिए, और मोर देन 4500 हैंडपिक्ड क्वेश्चंस, 50 प्लस पीडीएस और 32 मेंस की मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट चाहिए, तो आप AFO और ixamBee के द्वारा बनाया गया कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स खरीद सकते हैं, जो कि बहुत कम कीमत पे अवेलेबल है, और इसके लिए आप फ्री डेमो भी देख सकते हैं कोर्स का डिस्क्रिप्शन में से। सो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।